नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 9 कैसा सुर, जिसमें हम अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में प्रश्न पहला है कि आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। तो हर एक के घर में आलू, बैंगन, फूलगोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, कुंदरू, चचरीड़ा, पालक, तुरई आदि सब्जियां बनाई जाती है। अब आगे है प्रश्न दूसरा कि यहाँ पे जो आप हमने सूची बनाई उनमें से मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। तो आपको कौन सी सब्जी मनपसंद है और क्यों मनपसंद है, आपको पसंद क्यों है, इसका कारण ये है जो आपको करना है। प्रश्न तीसरा है कि भिन्न शब्द पर गोल कीजिए। उदाहरण है कि पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो यहाँ पे सेब पे गोल कर दिया है क्योंकि पालक, गाजर और लौकी ये सारी सब्जियाँ हैं और सेब है जो फल है। वैसे आगे है कि एक ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो ककड़ी, गाजर और बंद गोभी ये सब्जियों में आते हैं और केला जो फल है तो केले पे गोल आएगा। आगे है पपीता, मूली, आम और अनार। तो इसमें पपीता, आम और अनार ये फल है तो मूली शब्द पे गोल कीजिए। तीसरा कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो कनेर, गुलाब और चमेली ये फूल है और धनिया जो मिर्च मसाले में आता है तो आप धनिया पे गोल कीजिए। यह मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। तो मिर्च, अदरक और फूलगोभी और लहसुन। तो आप फूलगोभी पर गोल कीजिए क्योंकि मिर्च, अदरक और लहसुन ये जो रसोई का स्वाद बढ़ाने में के काम में आते हैं। जो फूलगोभी है वो सब्जी है। आगे है प्रश्न चौथा कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियों में आएगा करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीड़ा, कुंदरू, ग्वारफली, ककोड़ा, परवल आदि हरे रंग की सब्जियां हैं। दूसरा है कि कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। तो करेला, ककोड़ा और मेथी की भाजी इन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न चौथा है कि प्रस्तुत इकाई में किन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। तो इस इकाई में कद्दू, ककोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीड़ा और मूली आदि सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। पांचवा है कि हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। छठा, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो आम, केला, अंगूर और अमरूद इन फलों की सब्जी बनाई जाती है। तो यहाँ प्रश्न पांचवा है कि यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसका वर्णन हमें करना है। यह एक सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछा कर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है और दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है, एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है और मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।
आगे है प्रश्न छठा के चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, अलग अलग से चार चित्र दिए गए हैं, तो इसके आधार पर कहानी लिखनी है। तो कहानी सुनिए कि एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनाकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। तो कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो और आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा, उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना और हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। प्रश्न सातवां कि नीचे दिए गए दो चित्रों के बीच भेद बताइए। तो यहाँ पे दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो पहले चित्र में एक खेत है, तो दूसरे चित्र में दो खेत है। पहले चित्र में एक किसान हल चला रहा है और दूसरे चित्र में दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। पहले चित्र में एक खेत जोता जा रहा है और दूसरे चित्र में दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। पहले चित्र में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं और दूसरे चित्र में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में एक बकरी लड़के के आगे है और दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे है। पहले चित्र में घास के दो गट्ठर पड़े हैं और दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा है। आगे है स्वाध्याय की प्रश्न एक है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा है कि कचुम्बर में कौन कौन की सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा है कि आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आलू से टिकिया, चाट, चिप्स जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। चौथा है कि मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। पांचवा कि बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा कि बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। सातवां कि जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां है कि आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद आदि जमीन के नीचे पैदा होती है। आठवां है कि बैलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? तो ककड़ी, करेला, कुमड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बैलों पर होती है। प्रश्न दूसरा है कि नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो पहला है कि बैंगन, तो बैंगन
गोल या लंबा होता है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है और बैंगन काले रंग का होता है। टमाटर, तो टमाटर लाल रंग का होता है। उसका स्वाद खट्टा मीठा सबको अच्छा लगता है और टमाटर गोल होता है। करेला, तो करेला हरे रंग का होता है। उसका स्वाद कड़वा होता है और उनके दोनों छोर नुकीले होते हैं और वह ज्वर, मधुप्रेम प्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। लौकी, तो लौकी हरे रंग की और लंबी होती है और लौकी का हलवा बनता है। आगे है गाजर, तो गाजर लाल रंग का होता है। गाजर मीठा होता है और वह लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। प्रश्न तीसरा है कि चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, उनके आधार पर लेखन करना है कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है, दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछा कर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है और मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।